हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग झकास होंगे, है ना। तो आज की जो रेसिपी है वो है एग पराठा या एग रोल कह लीजिए, स्ट्रीट स्टाइल बनाएंगे हम। और मेरे एक व्यूवर है जो काफ़ी दिन से एग पराठा कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एग रोल की रेसिपी आप लोग के लिए लेके आई जाए। तो मैं आ गया हूँ आपके समीप, और समीप आ चुका है एक बाउल, जो बाउल में है 300 ग्राम मैदा, 2 चुटकी नमक आपको इसमें ऐड कर देना है, और ये है पिसी हुई चीनी, 1/4 चम्मच आपको डाल देनी है, 1 चम्मच आपको ऑयल डालना है, और इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और इसका नरम आटा गूंद लेना है। ये एकदम सिंपल है। मैं आटा भी गूंद के आपको बताऊं क्या, मतलब कुछ लोग हद कर देते हैं, आटा गूंदना भी सिखाते हैं। आपको सिंपल सा नरम आटा गूंद लेना है, कोई तिगड़म लगाने की जरूरत नहीं है। टकले पे थोड़ा ऑयल रगड़ देना है आपको इसके, और बस इसे मिला के ढक के और 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। फायर करता हुआ एक पैन आ चुका है, पैन में चला गया है 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल, 1/4 चम्मच इसमें चला गया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 10 सेकंड तक हम इसे पकाएंगे, इसके छींटे आपके हाथों पे उड़ेंगे तो कोई बात नहीं। और लंबी लंबी कटी हुई गाजर आपको डाल देनी है, आधी लंबी कटी हुई शिमला मिर्च डाल देनी है, थोड़े से ज़्यादा कटी हुई लंबी कटी हुई कैबिज पत्ता गोभी, और आधा टमाटर लंबे कटे हुए डालना है, लेकिन कम टमाटर का जो गूदा है वो आपको निकाल लेना है। हाई फ्लेम पे बिना नमक डाले 2 मिनट तक पकाइएगा, ताकि इसमें की क्रंचीनेस बनी रहे। अगर आप नमक डाल देंगे तो ये गलने लगेगी, आगे बात समझ में। 2 मिनट के बाद 2 चम्मच टोमेटो केचप और 2 चम्मच आपको डाल देना है सेजवान चटनी, सिंपल है। अगर आप इसमें थोड़ा सा नमक डालना चाहें तो अभी डाल सकते हैं, अभी मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाला है, और आप कुछ नहीं करना है, इसे मिला लेना है। सेजवान चटनी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे में घुल मिल जानी चाहिए, और ये तैयार हो चुका है। इसको रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए, बढ़ जाते हैं हम आगे। ये आटा हमारा थक के, मतलब रेस्ट करके थक चुका है, और ये देखिए एकदम मुलायम सा हो गया। इसमें से हम एक लोई निकाल लेंगे पराठे की जितनी, और कुछ नहीं, अब आपको इसको गोल गोल कर लेना है, इसको फ्लोर पर रख देना है। इसके ऊपर हम लगाएंगे, क्या लगाना है सोचिए, सूखा आटा नहीं लगाना है, इसमें लगाना है आपको ऑयल, थोड़ा थोड़ा लगाना है दोनों तरफ से, और इसको आपको पराठा बेल लेना है। सिंपल, पराठा बेलना तो आता ही होगा आप लोग को, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोल करने के बाद टेढ़ा मेढ़ा दिखता ही नहीं है एक्चुअली, सच बात तो ये। पतला सा पराठा बेल लीजिएगा तवे पे, इसको धपाक से करके, जब तवा गर्म हो जाए ना, धपाक से करके आपको तवे पे डाल देना है, और टेढ़ा मेढ़ा है तो थोड़ा सेट कर लीजिएगा। आपको अलट पलट के पकाइएगा, बट एक बात का खास ख्याल रखिएगा, एक तरफ आपको पूरा पका लेना है, मतलब ऑलमोस्ट आपको एक तरफ पका लेना और एक तरफ कच्चा रखना है, ये भी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, है ना। और जब ये पक जाए तो हम इसे निकाल लेंगे, बट निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए पूरा पक चुका है ना, और एक तरफ कच्चा है, आपको इसको, मतलब जब ये पक जाए तब इसे निकाल के आपको ढक के रखना है, खुला बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये मैंने एक पैन ले लिया है, अब मैं कारण आपको बाद में बताऊंगा कि ये मैंने डीप पैन क्यों लिया है। तो सबसे पहले इसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम 2 अंडे ले लेंगे, और अंडे आपको तोड़ के इस एक कटोरी में डाल देने हैं, 2 अंडे लेने हैं आपको, और इसमें आपको कुछ नहीं डालना, प्याज व्याज कुछ नहीं डालना, थोड़ा सा नमक डालना है, इसे अच्छे से फेंट लेना है, वाह वाह फेंट लीजिएगा अच्छे से। और आप पैन में डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल के जितना, और ये जो व्हाइट दिख रहा है आपको ये अंडे का है, आप टेंशन मत लीजिएगा, सारा अंडा जो 2 अंडे हमने फेंटा था इसमें डाल देना है आपको, और बस चारों तरफ फैला लेना, और ये रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने डीप पैन क्यों लिया, अगर हम तवा लेते तो तवा बड़ा होता है, जब हम अंडा डालेंगे ना तो चारों तवे पे फैल जाएगा और रोटी हो जाएगी छोटी, और अंडा मतलब ऑमलेट हो जाएगा बड़ा, इसीलिए। एक तरफ आप जब इसे पक जाए तो इसे पलट दीजिएगा, और साइड में आपको ना थोड़ा सा ऑयल छोड़ देना है, ताकि पीछे भी पराठा ना अच्छी तरह से सिख जाए, बढ़िया स्ट्रीट फूड वाला लुक आए। तो इसे ऐसे घुमा घुमा के सेक लीजिएगा, और अब इसमें कुछ नहीं करना, इसे आपको निकाल लेना है, इसे रखते हैं हमारे फ्लोर पे। अब इसकी करते हैं, मतलब मेकअप करेंगे अब इसका हम। अब इसके ऊपर आपको डाल देना है थोड़ा सा टोमेटो केचप, ये क्या है, क्या है ये, हाँ ये पहले आपको डाल देना है सेजवान चटनी, उसके बाद टोमेटो केचप डालना है, यार माफ़ कर देना यार। उसके बाद हमारी ये सब्जियां जो अभी हमने प्रिपेयर की थी, थोड़ी देर पहले की थी ना, वो वाली सब्जियां डाल देंगे। ऊपर से हम प्याज डालेंगे, स्लाइस में कटे हुए प्याज, बिना प्याज का इंडियन खाना, इंडियन स्ट्रीट फूड बेकार है मेरे भाई। अब कुछ नहीं करना, आपको रोल कर लेना है, रोल हो चुका है। नीचे वो पेपर लगाते हैं ना, कौन सा, वो टिश्यू पेपर, वो सब भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए हमारा रोल बनके तैयार हो चुका है, देखने में 4 चांद लग चुके हैं, मेरे को लगता है इसके पीछे में एक काला टीका लगाना होगा मुझे। ओहो, तो मेरे भाई जिसने फरमाइश की थी बताइएगा कैसा लगा है। तो आज के लिए बताने फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के नए रेसिपी के साथ, तब तक बनाइए और घर का खाइए, बाहर का बिल्कुल मत खाइए, कोरोना मत फैलाइए। थैंक यू सो मच फॉर